आज मैं करूंगा फ़िलिप्स MMS 8085B 2.1 चैनल का अनबॉक्सिंग। देखेंगे इसके फीचर्स और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। इसका आउटपुट हमें 80 वाट का मिल जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक बड़ा सा यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसमें एक रिमोट भी मिल जाता है जिससे आप पावर ऑन ऑफ साउंड या बेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। और इसमें एक ऑक्स केबल भी मिल जाता है 3.5 mm का। और इसमें एक रेडियो के लिए कनेक्टर भी मिल जाता है, इसको आप सिस्टम में लगा के रेडियो सुन सकते हैं। तो चलिए इसको भी हटा लेते हैं और चलते हैं स्पीकर की तरफ। तो स्पीकर आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे तरफ एक मेटल का ग्रिल दिया हुआ है और इसका बॉडी फ्रेम प्लास्टिक का बना हुआ है। और इसके पीछे आपको एक वॉल माउंट करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जल्दी से दूसरा स्पीकर को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये स्पीकर भी सेम उसी तरह देखने को मिल जाता है। अब इसके सब बूफर को भी बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और इसके बीच में फिलिप्स का लोगो भी दिया हुआ है। इसके ऊपर के साइड में कुछ बटन मिल जाते हैं और ये गोल वाला बटन साउंड के लिए है। आप इसको जितना चाहे घुमा सकते हैं। ये फ्री बटन है, साउंड फुल होने के बाद भी ये घूमते रहता है। और उसके नीचे वाले बटन पावर बटन है, उसके बगल वाले सोर्स बटन है और दो ट्यून के लिए भी बटन दिए हुए हैं। इसके नीचे पैनल दिया हुआ है, इसमें सारे सोर्स के लिए इंडिकेटर मिल जाता है। पावर के लिए ऑक्स, CD, FM, USB, SD और ब्लूटूथ के लिए भी मिल जाता है। और इसके पीछे की तरफ SD कार्ड और USB का पोर्ट भी मिल जाता है। और उसी के बगल में एंटीना का पोर्ट और उसके नीचे इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे में आउटपुट का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। और इसके नीचे की तरफ एक बड़ा सा 6.5 इंचेस का सब वूफर देखने को मिल जाता है। तो आप स्पीकर को कुछ इस तरह भी रख सकते हैं या फिर इसे साउंड बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम साउंड बार में कन्वर्ट करते हैं। दोनों स्पीकर के नीचे की तरफ कुछ इस तरह का लॉक देखने को मिल जाएगा। तो दोनों को आपस में फंसा कर लॉक कर लेते हैं तो ये साउंड बार में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस साउंड बार को वॉल में भी माउंट कर सकते हैं और इस स्पीकर को आप स्टैंड में खड़ा भी रख सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर स्टैंड भी मिल जाता है। तो ये स्टैंड को कुछ इस तरह से इसमें फ़िट कर लेना है। ये एकदम अच्छा से फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसी तरह से दूसरा स्पीकर का भी स्टैंड को लगा लेते हैं। तो आप स्पीकर को भी कुछ इस तरह स्टैंड में लगा कर रख सकते हैं। तो चलिए इसमें पावर सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे है। दो बार पावर बटन प्रेस करने पर ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। इसको फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो इसका साउंड क्वालिटी और बेस दोनों अच्छा है। फुल साउंड में भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे। तो इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।